आज बात है एवेंजर जो बहुत ही पावरफुल हैं और पूरे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल के साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं। और एवेंजर्स की फाइट हो जाए मंकी किंग से, तो मंकी किंग को फाइट में डिफीट कर पाएंगे या नहीं, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो एंड तक वॉच करना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं मंकी किंग के पास, क्या एवेंजर्स इसको डिफीट कर पाएंगे फाइटिंग में या फिर नहीं। पहले जानते हैं मंकी किंग की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। मंकी किंग बहुत ही पावरफुल है और इसके पास बहुत ही पावरफुल फाइटिंग स्किल्स भी है। इसके दम पर ये मंकी किंग बहुत ही पावरफुल लोगों को फाइट में किल भी कर चुका है। और ये सभी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिनको मंकी किंग ने फाइट में डिफीट करा था, लेकिन इन सभी की पावर्स मंकी किंग के सामने नहीं चली थी। मंकी किंग ने एक ही पंच में पूरे पेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मंकी किंग ने डिमोन्स के किंग तक को फाइट में ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था और बुद्धा को भी फाइट में चैलेंज कर दिया था। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मंकी किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसकी फाइटिंग स्किल कितने लेवल की है। अब मंकी किंग के पास बहुत ही पावरफुल वेपन है और ये फुल गोल्ड का है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है कि इसको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल जैसा है। और इसी वेपन को यूज करने के लिए मंकी किंग मास्टर है, और क्यों ना हो ये मंकी किंग का प्राइमरी वेपन जो है, और इसके एक ही स्ट्राइक से काफी ज्यादा तबाही हो सकती है। मंकी किंग की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मंकी किंग फाइट में अपने एनिमी के बहुत ही पावरफुल अटैक को बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था, और ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था कि इस अटैक में मंकी किंग की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस अटैक को भी मंकी किंग अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर गया था और इस अटैक से मंकी किंग को घंटा फर्क नहीं पड़ा था। मंकी किंग की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है। देखो मंकी किंग के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है जिससे मंकी किंग बहुत ही पावरफुल हो जाता है। मंकी किंग फ्लाई भी कर सकता है और बहुत ही पावरफुल स्पीड से अटैक भी कर सकता है, और मंकी किंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, और मंकी किंग को अपनी बड़ी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। मतलब मंकी किंग का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा गजब का है। मंकी किंग अगर अपने ईगल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मंकी किंग की पावर्स कैलकुलेट भी नहीं की जा सकती हैं, और इसकी पावर्स लेवल कई हद तक बढ़ जाती हैं जो इसे और ही डेंजर एंड मोस्ट पावरफुल बना देती हैं। मंकी किंग इविल फॉर्म में तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने बुद्ध को हैंड तक को स्टॉप कर दिया था कुछ देर के लिए। तो अब बात कर लेते हैं क्या एवेंजर्स मंकी किंग को फाइट में डिफीट कर पाएंगे या फिर नहीं। मैंने उन्हीं एवेंजर्स को लिया है जो एंड गेम फाइट में मौजूद थे। अगर मंकी किंग की फाइट हुई आयरन मैन से, तो चाहे आयरन मैन किसी भी सूट को रेडी कर ले, वो मंकी किंग को फाइट में डिफीट नहीं कर पाएगा। अगर कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई मंकी किंग से, तो कोई भी चांस नहीं है कैप्टन अमेरिका मंकी किंग को फाइट में डिफीट कर दे। अब आती है विजन एंड वांडा। तो ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन मंकी किंग को फाइट में डिफीट नहीं कर पाएंगे, और वांडा के मैजिक का असर मंकी किंग पर कुछ भी खास नहीं होगा। अब आते हैं हल्क, एंड्रोडी एंड कैप्टन मार्वल। अब ये तीनों बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन मंकी किंग इनसे भी बहुत ही डेंजर है, और इन तीनों को भी मंकी किंग पलक झपकते खत्म कर देगा। थोर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, तो ये दोनों मंकी किंग से फाइट कर सकते हैं, लेकिन फाइट करते करते मंकी किंग को फाइट में डिफीट नहीं कर पाएंगे, और ये कैरेक्टर्स आसानी से डिफीट कर देगा मंकी किंग इनको। और नताशा एंड ब्लैक पीडो और एंड स्पाइडरमैन की तो बात ही मत करो यार, और बकी और सैम की भी, तो और इन्हें तो भाई भूल ही जाओ। ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मंकी किंग को फाइट में थोड़ी बहुत भी देर टक्कर दे दें फाइट में, और एंडमैन भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो मंकी किंग को डिफीट कर दे फाइट में, और मंकी किंग एंडमैन तक को फाइट में डिफीट कर देगा, और इन सभी को मंकी किंग डिफीट कर देगा फाइट में, क्योंकि ये भाई मंकी किंग की पावर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और आज का फाइट का विनर है मंकी किंग, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू एंट्री हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो मैं भी चलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।